हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, एक दीवानी मुकदमे में जब मुकदमे में जजमेंट और डिक्री पास हो जाती है तो व्यथित पक्षकार किस प्रोविजन में अपील कर सकता है, अपील का एप्रिसिएशन कैसे होगा, अपील का फाइलिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन सी कोर्ट में अपील पेश होगी, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिविल केस में सिविल फर्स्ट अपील सेक्शन 96 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में और ऑर्डर 43 में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। सेक्शन 96 के अनुसार सभी डिग्री की जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट पास करती है उसकी अपील लाई करती है और उस कोर्ट में करती है जिस कोर्ट को उसकी अपील सुनने का ज्यूरिसडिक्शन है। सेक्शन 96 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में भी अपील लाई करती है। सेक्शन 96 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि पार्टीज के बीच में कंसेंट से डिग्री पारित हुई है तो उसकी अपील लाई नहीं करती है। और सेक्शन 96 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि स्मॉल कोर्ट कोर्ट के अगेंस्ट में के ऑर्डर के जजमेंट और डिग्री के अगेंस्ट में एक्सेप्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ अपील लाई नहीं करती है। अब प्रश्न उठता है कि अपील को सिविल फर्स्ट अपील को कैसे ड्राफ्ट किया जाए। तो जब जजमेंट और डिग्री होता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो प्लेंटिव भी हो सकता है या डिफेंडेंट भी हो सकता है। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट और डिग्री पास की है तो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने यदि सिविल कोर्ट ने डिग्री पास की है तो अपील कर सकते हैं सिविल फर्स्ट अपील। सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट का पूरा नाम लिखें, फिर टाइटल अपीलांट अपना लिखें, नाम एड्रेस, उसके बाद वर्सेज जिसके अगेंस्ट में अपील करनी है रेस्पोंडेंट का पूरा नाम एड्रेस लिखें, एज लिखें। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि टाइटल वो ही होना चाहिए जो कि डिग्री में और जजमेंट में लिखा गया है, कॉज टाइटल सेम और एज इट इज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हेड नोट लिखें, हेड नोट में उस कोर्ट का नाम जिसने की जजमेंट और डिग्री पारित की है, जजमेंट और डिग्री की दिनांक, जजमेंट और डिग्री जिस जुडिशियल ऑफिसर ने पारित की है उनका पद और उनका नाम, और उस जजमेंट और डिग्री में ऑर्डर किस दिन पास हुआ है इसकी डिटेल हेड नोट में दें। उसके बाद ब्रीफ में फैक्ट्स लिखें, आप क्या थे, प्लेंटिव थे या डिफेंडेंट थे, फिर उसके बाद आपने जो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट जो आपकी प्लीडिंग थी, फिर जो ऑपोजिट पार्टी की प्लीडिंग थी उसका भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दें, लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या प्लीडिंग्स के बेसिस पर इश्यू फ्रेम की उसका भी डिस्क्रिप्शन दें, एविडेंस भी शॉर्ट में बताएं कि क्या क्या एविडेंस प्लेंटिफ ने और क्या क्या एविडेंस डिफेंडेंट ने पेश की। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्राउंड्स ऑफ अपील। ऑर्डर 41 रूल 2 ये कहता है कि विच ग्राउंड्स मे बी टेकन इन अपील। तो ये ग्राउंड्स फैक्चुअल एस्पेक्ट के भी हो सकते हैं और लीगल एस्पेक्ट के भी हो सकते हैं। ग्राउंड्स में बेसिकली हमें ये बताना होता है कि लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने ये गलतियां पारित की है, गलतियां कारित की है, इस कारण से ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट हमारी अपील को स्वीकार करे। अब ये जो गलतियां हैं, एरर ऑफ फैक्ट हो सकती है, एरर ऑफ लॉ हो सकती है। तो आप जो ग्राउंड्स आपके केस के फैक्चुअल एस्पेक्ट पर लिखें, उसके बाद मेन ग्राउंड ये भी होने चाहिए कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर डिग्री और जजमेंट पारित नहीं किया। एरर ऑफ लॉ लिखें कि ये लीगल पोजीशन थी, ये लॉ था, पर इसका सही अप्रिसिएशन लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया। उसके बाद ही लिखें कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्रॉपर अप्रिसिएशन लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने अपने जजमेंट में और डिग्री में जजमेंट में नहीं किया। और इसके बाद ये भी लिखें कि यदि कोई साइटेशंस आपने सबमिट किए हों और वो साइटेशंस को कंसिडर लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया हो, इस बात को भी लिखें। सबसे महत्वपूर्ण बात एक अवश्य लिखें कि अदर ग्राउंड शेल बी टेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यदि कोई ग्राउंड रह भी गया है तो ये बात लिखने से वो ग्राउंड आप अपने आर्ग्यूमेंट के समय भी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोर्ट फीस और वैल्यूएशन अपील की कैसे तय करें। तो मित्रों, सामान्य रूप से यदि कोई स्पेसिफाइड कोर्ट फीस ना दी गई हो तो जो सूट में कोर्ट फीस दी होती है वो ही कोर्ट फीस और वैल्यूएशन अपील में तय करें, क्योंकि अपील एक सूट की फर्दर प्रोसीडिंग भी मानी जाती है। इसके बाद लिमिटेशन, तो यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील सिविल केस में जजमेंट और डिग्री के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो आप विद इन 90 डेज उसको आप फाइल करें। ऑर्डर 41 रूल 3A ये कहता है कि यदि आप 90 डेज या लिमिटेशन के पीरियड के बाद अपील फाइल करते हैं तो इट शुड बी अकम्पनीड बाई सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेशन। इसका मतलब एक कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी फाइल करें। सेक्शन ऑर्डर 41 रूल 3 के अनुसार कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करें। 90 डेज तो एक जनरल अपील है, बाकी किसी स्टेच्यू में जो अपील के प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए अपील फाइल करें। फिर ये लिखें कि ऑनरेबल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन है और इसकी कोई अन्य अपील पेश नहीं की गई है। फिर प्रेयर लिखें और प्रेयर में स्पेसिफाइड करें कि जजमेंट और डिग्री को इम्प्यून जजमेंट और डिग्री को डिसमिस किया जाए और हमारी प्रेयर को एक्सेप्ट किया जाए।
अब डॉक्यूमेंट्स क्या पेश करें, तो मित्रों डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ अपील, उसके साथ यदि स्टे एप्लीकेशन है तो सपोर्टेड बाय एफिडेविट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट एंड डिग्री और सर्टिफाइड कॉपी एंटायर रिकॉर्ड की एक पेपर बुक में के फॉर्म में पेश करें। अब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे। केस 2006 में डिसाइड किया गया, 11 जुलाई 2006 को। केस का नाम है पुष्पा देवी भगत वर्सेस राजेंद्र सिंह। इसमें क्या हुआ कि एक लैंडलॉर्ड और टीनेंट का डिस्प्यूट था, वहां के दोनों प्लीडर्स ने एक कंसेंट दे दी, तो वहां पर टीनेंट ने डिस्प्यूट किया कि मैंने कंसेंट देने के लिए ऑथोराइज नहीं किया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंसेंट डिग्री की डेफिनेशन में आती है और इसकी अपील लाई नहीं हो सकती है और प्लीडर भी कंसेंट देने के लिए ऑथोराइज हैं। एक और केस संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील एक वैल्यूएबल राइट है पार्टीज का और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों का एप्रिसिएशन अपीलेट कोर्ट को करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण केस है मधुकर वर्सेस संग्राम। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलेट कोर्ट को सारे इश्यूज को और एविडेंस को तय करने का अधिकार है और रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का अधिकार ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट को है, तो इस प्रकार अपील को फाइल करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।